हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास टेंथ का प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा का तीसरा नंबर सवाल है उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरे स्टूडेंट्स में शेयर करें। जो भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हों बच्चे, उनको आप शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक आप ज़रूर कीजिए। और साथ ही कोई प्रॉब्लम होता है और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और एक लाइक तो कर ही दें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 0√5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना x² + bx + c बराबर 0। एक द्विघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। इस फॉर्म में जो भी होगा x² + bx + c के रूप में वो द्विघात समीकरण होता है, तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है। आप बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योग बराबर क्या है, 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। और हम इसको क्या किए, समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5 है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया हुआ है, तो √5 हो जाएगा यहाँ पे। बराबर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। ये समीकरण सेकंड मान लिए। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 0 है ना, और ये समीकरण फर्स्ट से हमारा क्या है, 0/1 कुछ नहीं है, तो 0 का बटा में 1 तो है ना, किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए, ये जो है हमारा b का मान हो जाएगा, b का मान 0 हो जाएगा और a का मान 1 हो जाएगा। तो a बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, समीकरण सेकेंड से हम c का मान निकाल लेंगे। a और b का तो मान हमको मालूम हो गया, c का मालूम करना है। तो देखिए, √5 है ना बाई 1 कुछ नहीं है, तो बटा में 1 है ना, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। और c/a का मान क्या मालूम हो गया हमको, 1, तो 1 बिठा दिए। तो c/तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, c/√5 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे यदि a = 1 तो समीकरण फर्स्ट से b = क्या लाए हैं, 0, और समीकरण सेकंड से क्या लाए हैं, c/√5। अतः इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, a के जगह में क्या है, 1 है, तो 1x² हो जाएगा, प्लस b के जगह में क्या आया है, 0, तो 0 गुने क्या कर दिए, x कर दिए। और प्लस c का मान क्या आया है, √5 आया है, देखो बैठा दिए, बराबर 0। तो देखो, x² ये प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में या किसी भी xyz में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, 0 होता है। और प्लस √5 = 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, x² + √5 = 0 आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा भी मेथड से हम आपको पहला जो वीडियो इसका बनाए थे उसमें दूसरा मेथड भी बताए थे, आप उस पर बना करके देख लीजिएगा। सेम हूबहू इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंजिंग है फार्मूला, है ना, तो आप देख लीजिएगा, जो पहले बनाए हैं उसी पर आप बना लीजिएगा उसी तरह से। अब देखिए, चौथा नंबर यहाँ पे 1:1 है ना। माना ax² + bx + c = 0, एक द्विघात बहुपद है लिख लेना यहाँ पे, तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है ना, जो हमारा योग है ना, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया हुआ है। शून्यक का योग क्या है, 1 है अल्फा प्लस बीटा। और फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखिए, शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यक का गुणनफल बराबर फार्मूला c/a होता है। और इसको हम क्या मान लिए, समीकरण सेकंड। देखिए, समीकरण
फर्स्ट से, यहाँ पे ये समीकरण मान लीजिए हम फर्स्ट से निकाले हैं, बटा में इसका कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, वन बाई वन। तो ये हमारा ए का मान कितना हो जाएगा, वन, और बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस वन, क्योंकि बी में माइनस बी है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, बी का मान माइनस वन। तो ये कौन सा समीकरण से लाए हम, फर्स्ट समीकरण से। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए c बाई ए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, किसी भी संख्या के नीचे बटा में एक होता है, इसलिए वन बाई वन इज इक्वल टू c बाई ए हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ अभी यहाँ पे a का मान रख लेंगे, देखो यहाँ पे c और a का मान क्या आया है, वन आया है, तो इसलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये समीकरण सेकेंड से हम c बराबर वन ले लाए, अतः लिखेंगे इस फॉर्म में a के मान क्या है, यहाँ पे बैठाएंगे, a का मान क्या है तो वन है, b का मान क्या लाए हैं, माइनस वन, देखिए b के जगह में माइनस वन, अब इंटू एक्स है तो एक्स रख दिए, और c का मान क्या आया है तो वन आया है, तो वन रख दिए, बराबर जीरो। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, वन को लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इंटू एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और प्लस वन बराबर जीरो, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा का जो पाँचवा नंबर सवाल है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस वन बाई फोर दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान वन बाई फोर दिया हुआ है, यानी कि शून्य का योग बराबर है माइनस वन बाई फोर, और शून्य का गुणनफल बराबर है वन बटे फोर। तो यहाँ पे माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्य हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस वन बाई फोर है, शून्य का योग कितना है तो माइनस वन बाई फोर है, इसलिए शून्य का योग बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बाई ए। तो देखो माइनस बी बाई ए फार्मूला लिख दिए, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य का गुणनफल बराबर क्या दिया हुआ है, वन बाई फोर, और अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए, इसको मान लिए समीकरण सेकंड मान लिए। यदि ए बराबर फोर, अब देखो ए बराबर फोर कहाँ से हम लिए, समीकरण फर्स्ट में हमारा माइनस वन बाई फोर और माइनस बी बाई ए है, तो देखिए माइनस अगर दोनों तरफ माइनस माइनस रहे तो क्या हो जाता है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यही यहाँ पे माइनस माइनस लिख करके हम दिखा दिए हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो बी का मान यहाँ से क्या मिला हमको, प्लस वन मिला, और ए का मान क्या मिला, चार मिला। तो समीकरण फर्स्ट से हमको क्या मिला, बी बराबर वन, तो देखो समीकरण फर्स्ट से बी बराबर वन और ए बराबर फोर आया, ठीक। अब यहाँ पे सी का मान हम निकाल लेंगे, देखो समीकरण सेकंड क्या है, वन बटे फोर बराबर सी बाई ए, वन बटे फोर बराबर सी बाई ए, देखिए वन बटे फोर है, सी बाई ए है, ए का मान हमारे पास अब कितना आ गया, चार आ गया, तो देखो ए का मान यहाँ पे चार रख दिए। तो देखो ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो चार गुने सी करेंगे तो फोर सी हो जाएगा, और चार गुने एक करेंगे तो चार आ जाएगा, और सी बराबर क्या आ जाएगा, फोर बटे फोर, यानी कि कट करके वन आ जाएगा। तो सी का मान कितना आ गया, वन आ गया। आप देख लीजिएगा, इसको बॉक्स बना लीजिएगा, इधर साइड में लिख लीजिएगा, है ना, ये समझाए हैं। अब सी का मान हमारे पास समीकरण सेकेंड से कितना मिल गया, वन मिल गया, अतः लिखेंगे अब इसमें देखो बैठाएंगे द्विघात बहुपद में, तो ए एक्स स्क्वायर है ना, तो ए का मान कितना मिल गया हमको, चार मिल गया। देखो ए के जगह में क्या लिख दिए, चार, बाकी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस है, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान वन है, ठीक है, वन इंटू एक्स, एक्स है ना गुना इसके साथ, तो एक्स कर लिए, या आप चाहे तो वन को ब्रैकेट में कर सकते हैं, एक्स को बाहर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि वन जो है ब्रैकेट में कर दीजिए, एक्स कर दीजिए बाहर, ठीक है, क्योंकि वन का मान हम बिठाएं एक्स का, अरे बी का मान बिठाए हैं, तो बी एक्स, बी के जगह में वन, और सी, सी का वैल्यू क्या है, वन है। तो देखिए फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वन इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही रहेगा, और प्लस वन बराबर जीरो, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो छठा नंबर सवाल, जो आपको माना यहाँ पे देखिए, मान लीजिए माना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य का योग बराबर क्या है, चार है, अल्फा प्लस बीटा बराबर चार, तो शून्य का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए,
अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य का गुणनफल का मान कितना है, वन है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर वन, और अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी बाय ए होता है, इसको समीकरण सेकंड मान लिए। तो देखो यहाँ पे चार इसका बटा में कुछ नहीं है तो एक है ना, किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, एक होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, ये समीकरण सेकंड है तो माइनस बी बाई ए। तो देखो समीकरण फर्स्ट से हम क्या निकाल रहे हैं, ए का मान कितना मिल गया हमको, वन, और बी का मान कितना मिल गया तो माइनस चार, माइनस बी है ना इसलिए इधर माइनस नहीं रहेगा, ये संख्या की तरफ माइनस ले जाएंगे तो बी बराबर माइनस फोर हो जाएगा और ए बराबर वन। तो यहाँ पे देखो यदि ए बराबर वन तो बी बराबर हमको क्या मिला, माइनस फोर, लेकिन कौन सा समीकरण से मिल रहा है, फर्स्ट समीकरण से, इसलिए हम लिख दिए कि हमको फर्स्ट समीकरण से क्या प्राप्त होता है, बी बराबर माइनस फोर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंड समीकरण है वन बराबर सी बाई ए है, तो हमको तो ए का वैल्यू मालूम हो गया है ना, तो देखो वन बटे वन कुछ नहीं है तो इसका भी तो बटा में वन है इसका, तो सी बाई ए का वैल्यू हमको मालूम है, ए का वैल्यू क्या मालूम है, वन, तो देखो यहाँ पे सी बाई ए के जगह में क्या बिठा दिए, वन बिठा दिए, तो तिरछा तिरछी गुना कर लिए सी, तो सी और वन गुने वन करेंगे तो सी बराबर वन हो जाएगा, उसको बॉक्स में उधर देख लीजिएगा आप, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमको सी बराबर समीकरण सेकंड से सी बराबर क्या प्राप्त होता है, वन प्राप्त होता है, ठीक है। तो अतः लिखेंगे इसमें बैठाएंगे तो ए का मान क्या है, यहाँ पे वन प्राप्त हुआ है, वन एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख लो, वन को ही ब्रैकेट में डाल दो है ना, एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप वन को साथ में लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि हर किसी नंबर के साथ और हर किसी एक्स वाई जेड के साथ एक गुना होता है प्लस। अब देखिए माइनस, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू माइनस फोर है, तो माइनस फोर एक्स प्लस वन, सी का वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है, बैठा दिए तो फोर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस फोर एक्स प्लस वन, गुना है बाहर में x तो गुना कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। थैंक्स दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो।